नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और सभी पार्टियां सत्ता में आने के लिए नए नए पैंतरे अपना रही हैं। तो वहीं सपा ने सुभाजपा से गठबंधन के बाद रालोद से भी गठबंधन करने का फैसला किया है, जिसका औपचारिक रूप से मुलायम सिंह के जन्मदिन से एक दिन पहले ऐलान किया जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जैसे जैसे यूपी में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे छोटे दलों को साथ लाने के लिए जोर आजमाइश चल रही है। उत्तर प्रदेश की सत्ता से भाजपा को बाहर करने के बड़े अभियान में लगे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। जी हाँ, खबर ये है कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीटों को लेकर लगभग सहमति बन गई है, जिसका सपा के मुखिया 21 नवंबर को लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद पूर्वांचल में अपना गढ़ मजबूत करने वाले अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पुराने साथी राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन का फैसला किया है। उधर कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा से भी गठबंधन का ऐलान पार्टी जल्द ही कर सकती है। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम मऊ में करके पार्टी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। गौरतलब है कि सपा के संस्थापक तथा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन यानी 22 नवंबर से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा। सपा और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन का ऐलान 21 नवंबर को लखनऊ के ताज होटल में होगा। इसके बाद दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, साथ ही साथ दोनों के बीच में सीटें भी तय होंगी। समाजवादी पार्टी ने रालोद को 32 सीट देने का मन बनाया है और चुनाव के समय सीटों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं और अपने चुनाव चिन्ह पर कुछ मजबूत दावेदार भी खड़ा कर सकती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में अच्छी पकड़ है। समाजवादी पार्टी को भी पश्चिमी यूपी की घनी मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर अच्छे वोट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में रालोद और सपा के साथ आने से काफी फर्क पड़ सकता है।
इससे पहले 27 अक्टूबर को मऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुभाषपा से गठबंधन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी और सुभाषपा की पीली टोपी अब लाल पीला होकर एक हो गई है। हमारी इस एकता को देखकर दिल्ली और लखनऊ में कौन कौन लाल पीला हो रहा होगा, अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा करके दिखाएंगे, भाजपा को सत्ता से भगा कर दिखाएंगे। लेकिन सोचो, हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं, इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे हो आदि ओमप्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे, जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है। और फिर आपने ठीक कहा, अगर बंगाल में कुछ हुआ है, अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा कि नहीं होगा। जिस दरवाजे से भाजपा सत्ता में आई थी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने उसे बंद कर दिया है और हम लोगों ने उस पर सटकनी लगा दी है। पूर्वांचल जब जाग जाता है और जिस ओर चला जाता है, सत्ता उसी ओर चली जाती है। अखिलेश यादव 27 अक्टूबर को मऊ में हलधरपुर के ढोलवन मैदान में आयोजित सुभाषपा के 19वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय लोक दल यानी रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद कांग्रेस और रालोद के गठबंधन की अटकलें लगाई गई थी और इन अटकलों को सपा और रालोद ने खारिज कर दिया था। और अब सपा और रालोद के बीच गठबंधन की खबरों के बाद कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त कांग्रेस ने 114 तथा सपा ने 311 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सपा को 47 और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली थी। 2017 में राष्ट्रीय लोक दल ने 277 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल का गठन किया था। अजीत सिंह के निधन के बाद रालोद का नेतृत्व उनके पुत्र जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। पार्टी पहली बार जयंत चौधरी की अगुवाई में कोई विधानसभा चुनाव लड़ रही है। खैर, देखना ये होगा कि ये गठबंधन आगामी चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। सत्ता में आने के लिए और बीजेपी को खदेड़ने के लिए सपा लगातार छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये गठबंधन कितना फायदेमंद साबित होता है सपा के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।